हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेके। आज का हमारा वीडियो है भगत सिंह जी पे। तो आगे बढ़ने से पहले सारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के लोयलपुर ज़िले के वंगा गाँव में हुआ था, जो उस समय के ब्रिटिश भारत में था और आज पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम किशन सिंह संधू और माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह कुल 7 भाई बहन थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा अजीत सिंह प्रगतिशील राजनीति के में सक्रिय थे। 1907 में नहर उपनिवेश विधेयक और बाद में 1914-1915 के गदर आंदोलन में भाग लिया। कुछ वर्षों के लिए बंगा के गांव के स्कूल में भेजे जाने के बाद भगत सिंह का दाखिला लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में हुआ। 1923 में वह लाहौर में नेशनल कॉलेज में शामिल हो गए, जिसकी स्थापना 2 साल पहले महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के जवाब में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी, जिसमें भारतीय छात्रों से ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा सब्सिडी वाले स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ने का आग्रह किया गया था। भगत सिंह ने मार्च 1926 में इंडियन सोशलिस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन नवजवान भारत सभा की स्थापना की। इन्होंने हिंदुस्तान की रिपब्लिक एसोसिएशन भी ज्वाइन की थी। 1924 में 1927 को भगत सिंह को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है काकोरी केस में। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में काकोरी गांव, जो कि लखनऊ के पास है, वहां हुआ था। भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था और वो व्लादिमीर लेनिन से प्रभावित थे। भगत सिंह डोमिनियन स्टेट्स के खिलाफ थे और वे पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। 1928 में ब्रिटिश गोविट सीमेंट कमीशन लाती और भारत में इस कमीशन का विरोध हुआ, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 को कमीशन लाहौर में आया। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया और फिर सुपरिटेंडेंट पुलिस जेम्स एस कोच ने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया। इस लाठी चार्ज में लाला जी इतने घायल हो गए थे कि 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी और 17 दिसंबर 1928 को गलती से जॉन पी सॉन्डर्स को मार दिया। वो मारना तो स्कॉट को चाहते थे। 19 दिसंबर 1928 को सुखदेव दुर्गावती की देवी से मदद मांगते हैं और सुखदेव भगत सिंह और दुर्गावती ट्रेन में लाहौर से बठिंडा और फिर कोलकाता आ जाते हैं। 8 अप्रैल 1929 को लॉर्ड ट्रिविन दो बिल लाते हैं। एक पब्लिक सेफ्टी बिल था तो दूसरा ट्रेड डिस्प्यूट बिल था। इस दो बिल को देखकर सारे भारतीय भड़क गए। सेफ्टी बिल में किसी भी को पकड़कर जेल में डाल सकते हैं और रेडी डिस्प्यूट बिल में कोई वर्कर हड़ताल नहीं कर सकता और यूनियन नहीं बना सकता। इन्हीं दो बिल का भगत सिंह ने विरोध किया और भगत सिंह ने एक प्लान बनाया कि असेंबली में बॉम्ब फोड़ के ताकि अंग्रेज हमारी बात सुने। भगत सिंह ने भी चाहते थे कि बॉम्ब एक ऐसी जगह पर फोड़ा जाए ताकि किसी को नुकसान ना हो। इस काम के लिए दो लोगों को चुना जाता है, रामशरण दास और बटुकेश्वर दत्त। पर भगत सिंह चाहते थे कि इसको वो काम दिया जाए जो बाद में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को ये काम मिलता है। 6 अप्रैल 1929 को असेंबली हॉल में पहला बॉम्ब भगत सिंह फोड़ते हैं और दूसरा बटुकेश्वर दत्त, और इस बात का ख्याल रखा जाता है कि किसी को कोई नुकसान ना हो। भगत सिंह यहाँ पे फ्रेंच एनार्चिस्ट अगस्ते वोयलेंट की एक लाइन बोलते हैं, बहरों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत पड़ती है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त खुद ही पुलिस को सरेंडर कर देते हैं। वो बचकर भी जा सकते थे पर इन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भगत सिंह पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगता है और केस चलता है। भगत सिंह के आसिफ अली बनते हैं लॉयर। भगत सिंह को लाहौर की
मियांवाली जेल में रखा जाता है। भगत सिंह यहाँ पे 97 दिन के लिए भूख हड़ताल पे बैठते हैं ताकि वे जेल के हालातों को ठीक करवा सकें। 5 अक्टूबर 1929 को भगत सिंह ने हड़ताल ख़त्म कर दी। इस जेल में भगत सिंह को बहुत ही टॉर्चर किया गया था। जेल गोपाल हंसराज वोहरा और 3 लोगों ने भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी थी। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी जाती है और 7 अन्य को आजीवन कारावास दिया जाता है। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी जाती है। फांसी चढ़ने से पहले राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह एक दूसरे के गले मिलते हैं और बोलते हैं, हम बहुत जल्द मिलेंगे। भगत सिंह का लास्ट सॉन्ग ये था, कभी वो दिन भी आएगा कि आज़ाद होंगे हम, वे अपनी जमीन होगी ये अपना आसमां होगा, शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बार मेले, वतन पर मरने वालों का यही नामो निशान होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।